हे गाइस, आई एम राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 के टॉपिक, तो जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, आइसोमर्स मतलब क्या होता है, और हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों, अगर आप इसके रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे चाहिए, वहाँ पर हमारे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ से आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे आइसोमर्स मतलब क्या होता है, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स मतलब एक कंपाउंड, उसके मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, जिसे हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैज द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी एक कंपाउंड से उसके मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन अगर उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होते हैं तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी एक कंपाउंड्स है उसके जो है मॉलिकुलर फार्मूला जो है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड्स जिसके मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो है चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन विच इज मॉलिकुल आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड फेनोमेना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। यानी एक कंपाउंड्स है जिसके मॉलिकुलर फार्मूला जो सेम है बट उसके जो कार्बन के अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट है, तो जिसे हम चेन आइसोमर्स कह सकते हैं, और उसके फेनोमेना को हम चेन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है C4H10, तो C4H10 को हम एन ब्यूटेन से भी उसके रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, फिर 2-methyl propane से भी रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। जहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 जो है वो कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, और जो है एन ब्यूटेन में और 2-methyl propane में भी सेम फार्मूला है लेकिन इसके जो है कार्बन के अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है पोजिशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड विच हैव द सेम स्ट्रक्चर बट डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर क्या है, पोजिशन अलग होता है, यानी कंपाउंड विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ओनली इन द पोजिशन। यानी कंपाउंड्स है जिसके स्ट्रक्चर सेम है, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके स्ट्रक्चर जो है लगभग, यानी जो जितने भी फॉर एग्जांपल दिया गया है उसके स्ट्रक्चर लगभग सेम है लेकिन उसके जो डबल बॉन्ड या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप, तो उसके पोजिशन अलग है, यानी इसे हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, जिसमें जो है कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उसके जो पोजिशन है, चाहे वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप हो, उसके पोजिशन चेंज होगा, तो उसे हम पोजिशन आइसोमर्स कह सकते हैं, और उसके फेनोमेना को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, यहाँ पर जो है CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, और यहाँ पर ब्यूट 1 है, तो इसके जो पोजिशन है यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजिशन है वहाँ पर इस मिडिल में है लेकिन यहाँ पर लास्ट में है डबल बॉन्ड के, पर यहाँ पर जो है ब्यूट 2 का है उसके जो है पोजीशन जो है मिडिल में है, और ब्यूट 1 जिसके ट्रिपल बॉन्ड जो है लास्ट में है, यानी इसके जो फार्मूला है वो सेम है, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। दोस्तों, हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट तरीके से होता है, जैसे कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी एक फार्मूला है जिसके मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है, तो इसे हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसके फेनोमेना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, और इसे हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड 4 CH3 है, जिसे हम एसीटोन कहते हैं, और यहाँ पर है प्रोपेनॉल। अगर इसकी बात करें यहाँ पर है 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन,
और एक ऑक्सीजन जो है एसीटोन में और प्रोपेनॉल में है, 1, 2, 3 3 कार्बन और है 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी सेम मॉलिकुलर फार्मूला है लेकिन उसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है, और इसमें भी है अल्काइल अल्कोहल में भी सेम है। और जो नेक्स्ट है वो है मेटामेरिज्म कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज मेटामर्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। जो है इसके जो है मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इसके जो कंपाउंड्स के आइदर साइड यानी दो साइड में जो है कार्बन के अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के साइड में, तो जिससे हम मेटामेरिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन टी वन है, इसके एक साइड में है CH3CH2 और जो है फंक्शनल ग्रुप में जो है C11 जो है हाइड्रोजन ग्रुप के उसके एक दोनों साइड में सेम है, बट अगर पेंटन टू वन की बात करें तो जिसके लेफ्ट साइड में है CH3 और उसके साइड में CH3CH3CH2CH2CH2, यानी इसके जो है 3 कार्बन ग्रुप इस साइड में और यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, जिसे मेटामेरिज्म या फिर मेटामर्स और इसके फेनोमेना को मेटामेरिज्म कह सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं टाटोमेरिज्म के बारे में। टाटोमेरिज्म यानी इसमें हाइड्रोजन के माइग्रेशन होते हैं और जो है उसके मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन उसके जो फंक्शनल ग्रुप है उसके उसमें जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेशन होता है, और इसमें जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसे हम टाटोमेरिज्म कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड है जिसमें CH3C11OH है जो कि कीटो फॉर्म में है, और यहाँ पर विनाइल अल्कोहल जो कि एक्जोलिक फॉर्म में है, यहाँ पर है CH2 CH2OH, यहाँ पर है OH जो कि हम कीटो फॉर्म से एक्जोलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं और कीटो फॉर्म से हम एनोलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो जिसमें है जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो पोजीशन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।